हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो? सारे बढ़िया हो? चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मनी सप्लाई इक्वेशन के बारे में और उसके डिटरमिनेंट्स के बारे में। इससे पहले के टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स करे हैं। बेटा उसी को मैं थोड़ा और आगे लेके चल रहा हूँ, उन्हीं टॉपिक के ऊपर बात चल रही है। अगर आप इस वीडियो पर नए हो ना, तो पीछे वाली वीडियोज थोड़ी देख लो ताकि आपको टॉपिक पल्ले पड़ जाए, ठीक है। अब ये मनी सप्लाई इक्वेशन क्या होता है? तो भैया मनी सप्लाई इक्वेशन पहले समझ, कहता क्या है भाई? मनी सप्लाई इक्वेशन बताती है कि देश में मॉनेटरी बेस कितना है और उससे कितनी मनी सप्लाई क्रिएट हो सकती है। पिछले लेक्चर्स को अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो मैंने बताया था कि एक होता है मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी, कि देश में कितना पैसा छपा और उस पैसे से कितना पैसा देश में क्रिएट हो गया, कितने रुपये तक की ट्रांजेक्शन देश में हो रही है, बेटा वो होता है मनी सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, देश में मान लो 400 करोड़ रुपये छपे तो वो मॉनेटरी बेस होता है, लेकिन उससे 1000 रुपये तक का पैसा क्रिएट किया गया, 1000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन की गई, तो 1000 रुपये आपका मनी सप्लाई है। तो मनी सप्लाई शो करता है कि मॉनेटरी बेस हमारा कितना था और हम उससे कितना ज़्यादा पैसा क्रिएट कर सकते हैं। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि अगर आपको मनी सप्लाई निकालना हो, आप उसको एम बोल लो या एम एस बोल लो, मतलब सेम होता है, और वो इक्वेशन बोल दो या फॉर्मूला बोल दो। फॉर्मूला बच्चों क्या है? वो फॉर्मूला आपको याद है, वो फॉर्मूला है सी डी प्लस वन अपॉन में सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी इंटू में मॉनेटरी बेस। ये आपका फॉर्मूला है कि इस फॉर्मूले के थ्रू कि आपका मॉनेटरी बेस इतना है, ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी कि आपका 400 करोड़ रुपए मान लो इशू हुए तो यहाँ पे कितना आएगा, 400 करोड़, ये सारी वैल्यू आएगी। अब वो 400 करोड़ कितने बन गए, वो आपका एम निकल के आ जाएगा, वो आपका मनी सप्लाई निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनी सप्लाई इक्वेशन इंडिकेट करता है, बताता है दैट हाउ मच मनी इज क्रिएटेड इन द इकोनॉमी फॉर गिवन मॉनेटरी बेस, कि हमारे पास जो मॉनेटरी बेस है हम उससे कितना ज्यादा पैसा बना सकते हैं, वो कौन बताएगा? मनी सप्लाई की इक्वेशन। और वो होती है हमारी ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में ये सारी बातें आती है। अब आगे बोलता है इसके डिटरमिनेंट्स क्या है, मतलब मनी सप्लाई की क्वेश्चन भाई किस चीज पे डिपेंड करती है? तो बेटा जो जो फॉर्मूले में आ रहा है उन सब पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, फॉर्मूले में क्या आ रहा है? मॉनेटरी बेस आ रहा है, तो सबसे पहला मनी सप्लाई मॉनेटरी बेस पे डिपेंड करेगा, बिकॉज अगर ये चेंज होगा तो भैया एम चेंज हो जाएगा। भाई फॉर्मूले में अगर एम भी चेंज होगा, मॉनेटरी बेस चेंज होगा, तो मनी सप्लाई चेंज होगा। तो पहला मॉनेटरी बेस हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका? ईडी। अगर ईडी चेंज होगा ये तब भी चेंज होगा, तो दूसरा आपका ईडी हो गया, तीसरा आपका आरआर हो गया, चौथा आपका सीडी। फिर चौथा आपका सीडी ऊपर सेम है, सीडी एक बार आएगा बस। तो अल्टीमेटली 1 2 3 4, इन चार चीज़ों से मनी सप्लाई पे फर्क पड़ेगा। अगर इन चारों चीज़ों में चेंज होगा, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, तो भाई आपके मनी सप्लाई में फर्क पड़ेगा, बिकॉज मनी सप्लाई के फॉर्मूले में चार बातें आ रही है। तो याद रखना, जो मनी सप्लाई के डिटरमिनेंट्स है वो यही चार है। आप देखो, एक आरआर है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, एक सीडी है, करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, एक ईडी है, एक्सेस रिजर्व रेशियो, और एक बच्चों क्या है आपका, एमबी है, जैसे क्या बोलते हैं, मॉनेटरी बेस। इन चार चीज पर हमारी मनी सप्लाई डिपेंड करती है। अब इन चारों चीजों को डिटेल में पढ़ना है, एक्चुअली इस टॉपिक में करना क्या है, अब इन चारों को ही आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिटेल में पढ़ने से पहले अगर मैं इन चारों को एक ओवरव्यू दूं, तो याद रखना जो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है बेटा, इसको देश के सेंट्रल बैंक द्वारा तय किया जाता है। रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो कितना होगा ये कौन तय करता है? सेंट्रल बैंक। ऐसे ही मॉनेटरी बेस, देश में कितना पैसा छपेगा बेटा, इसको भी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा ही तय किया जाएगा कितना पैसा छापना है। तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो और मॉनेटरी बेस को तो देश का सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। चलिए, करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, कि कितनी करेंसी अपने पास रखनी है, करेंसी की बात आ रही है, तो भैया करेंसी जनता के पास होती है, तो सीडी कौन तय करेगा? जनता, पब्लिक। और उसके बाद डिजायर्ड एक्सेस रेशियो, एक्सेस रिजर्व रेशियो का मतलब होगा कि एक बैंक को अब कितना एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखना है, तो ये तय करता है देश का कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंकों को अपने पास कितना पैसा एक्स्ट्रा रखना है, वो अपने आप तय करेंगे। तो याद रखना, जो आरआर होता है उसको तय करता है सेंट्रल बैंक, मॉनेटरी बेस को भी तय करता है सेंट्रल बैंक,
बेटा सीडी को तय करती है जनता पब्लिक और ईडी को तय करता है कमर्शियल बैंक। तो हम चारों को डिटेल में पढ़ेंगे और अगर इन चारों में से किसी में भी कोई चेंज आएगा तो बेटा मनी सप्लाई के अंदर भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। होपफुली इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए पहले अपन लोग पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक वाले पॉइंट कि सेंट्रल बैंक के दो पॉइंट हैं। एक तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, इसको पढ़ते हैं, और दूसरा मॉनेटरी बेस, इसको पढ़ते हैं कि सेंट्रल बैंक कैसे इन दोनों को कंट्रोल करेगा और कैसे इन दोनों में चेंज लेके आएगा। तो चलिए जो आपकी हेडिंग बनेगी वो बनेगी सेंट्रल बैंक डिटरमिनेंट्स टू मनी सप्लाई, कि मतलब मनी सप्लाई को डिटरमाइन करने के, तय करने के सेंट्रल बैंक के कौन कौन से टूल है। तो सेंट्रल बैंक के पास एक टूल है आपका मॉनेटरी बेस, कि सेंट्रल बैंक के पास जो मनी छपता है अगर मनी में चेंज आएगा तो मनी सप्लाई में चेंज आएगा। और दूसरा है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, अगर सेंट्रल बैंक अपने आरआर में चेंज करेगा तो मनी सप्लाई में चेंज आएगा। ठीक है, मैं अब इस चीज को पहले न्यूमेरिकली समझाऊंगा, देन फिर मैं आपको उसकी रीडिंग भी करवाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने पहले से ही एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल क्रिएट कर रखा ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, आओ समझते हैं। बेटा मान लो ये वाला हमारा एक मेन एग्जाम्पल है। ठीक है, ये मेन एग्जाम्पल है, फिर बाकी इसको हेल्प समझने के लिए बस। ठीक है, चलो मेरी बात समझना ध्यान से। बेटा मॉनेटरी बेस मान लो 1,00,000 है, सीडी 0.20, आरआर 0.10 और ईडी 0.10। अगर मैं इससे मनी सप्लाई निकालू कितना आएगा, चलो सॉल्व करते हैं। तो सीडी है आपका 0.20 प्लस में 1 कर दो, अगेन सीडी 0.20, आरआर 0.10 और ईडी भी 0.10, और मॉनेटरी बेस कितना है आपका 1,00,000। तो यहां पे लिख दिया मैंने 1L, बेटा L मीन्स लाख, मान लो यहां लिख दिया मैंने 1,00,000 रुपए। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करा, ये आ गया 1.20, और ये करा ये आ गया 0.40, और इनटू में आपका आ गया 1,00,000 रुपए। अब 1.20 को 0.40 से करूंगा तो यहां पे 3 आएगा, और 3 इनटू में कितना आ गया 1,00,000 रुपए। तो यहां पे आपका जो मनी सप्लाई कितना आ गया जी, वो आपका आ गया 3,00,000 रुपए मनी सप्लाई। ये मान लो हमारा एक मेन एग्जांपल है। अब क्या हुआ, मैंने बोला कि अगर मॉनेटरी बेस में चेंज आएगा, कितना है जी मॉनेटरी बेस 1,00,000 है, अगर 1,00,000 से चेंज होकर 2,00,000 हो गया, क्योंकि मॉनेटरी बेस कौन तय करता है जी, देश का सेंट्रल बैंक। अब मान लो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी बेस में चेंज करता है, पहले 1,00,000 रुपए छापे, लेकिन अब 2,00,000 रुपए छापता है, क्या मनी सप्लाई के अंदर कोई चेंज आएगा। तो मैंने अगेन बोला जो चार बातें हैं उन चारों में से अगर किसी में भी चेंज होगा तो मनी सप्लाई के अंदर चेंज होगा। हम पहली बात सीखते हैं मॉनेटरी बेस अगर चेंज होगा 1,00,000 से 2,00,000 हो गया, क्या मनी सप्लाई के अंदर कोई चेंज आएगा। तो देखो 1,00,000 का 2,00,000 कर दिया, बाकी सारी बातें सेम है, 0.20, 0.10, 0.10 और यहां भी सारी बातें सेम है, बस मॉनेटरी बेस को चेंज किया। आओ सॉल्व करते हैं। CD प्लस 1 ये आपका पूरा 1.20 था, इसको सॉल्व करा ये आपका पूरा 0.40 था, बस मॉनेटरी बेस चेंज हुआ है तो वो आपका 2,00,000 बन गया। 1.20 को 0.40 करूंगा 3 आएगा, और इनटू में आपका 2,00,000 और इनटू 3, देखो जी भाई साहब आपका 6,00,000 रुपए आ गया। अल्टीमेटली अगर मॉनेटरी बेस में चेंज होगा तो आपके मनी सप्लाई जो पहले 3,00,000 थी अब कितनी हो गई 6,00,000 हो गई। तो मतलब मॉनेटरी बेस में चेंज होने से मनी सप्लाई में चेंज होगा। और यहाँ पे मैंने एक बात नोट करी, मॉनेटरी बेस 1,00,000 से बढ़कर 2,00,000 हुआ है, तो यहाँ पे मैंने ये बात नोट करी, वो नोट ये करी कि जो मॉनेटरी बेस है वो इंक्रीज हुआ, जिससे कि मैंने नोट किया जो मनी सप्लाई है वो 3,00,000 से 6,00,000 हो गई, तो मतलब मनी सप्लाई मेरी बढ़ गई। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मॉनेटरी बेस और मनी सप्लाई में एक प्रकार का पॉजिटिव रिलेशन है। अगर मॉनेटरी बेस बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, सिमिलरली अगर मॉनेटरी बेस घटेगा तो मतलब मनी सप्लाई भी घटेगा। तो होपफुली ये पहला वाला केस तो आपको क्लियर हो गया मॉनेटरी बेस से मनी सप्लाई पे क्या चेंज आएगा जी, दोनों में एक प्रकार का पॉजिटिव रिलेशन हमने पाया। चलिए ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनो, ये अपना मेन एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने देख लिया कि मॉनेटरी बेस से क्या फर्क पड़ेगा। चलो अब एग्जाम्पल यही है, सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, मॉनेटरी बेस मान लो आपका 1,00,000 का अब भी 1,00,000 है, सारी बातें सेम है, मॉनेटरी बेस आपका 1,00,000 का अब भी 1,00,000 है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे अगर नोट करेंगे तो देखो यहाँ पे आपका आर आर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 0.10 है,
जबकि यहाँ पे मैंने 0.30 कर दिया। इट मीन्स मॉनेटरी बेस में नो चेंज, मॉनेटरी बेस आपका 1 लाख का 1 लाख है, बस रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो का 0.10 था जिसको 0.30 कर दिया। अब मैं देखता हूँ क्या रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो में चेंज करने से मनी सप्लाई के अंदर चेंज होगा, और अगर चेंज होगा तो कैसा होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सी डी कितना आपका 0.20 + 1। अब यहाँ पे ये मत लेना कि इसको पूरा सॉल्व करके यही आएगा, बेटा आर आर की वैल्यू चेंज है ना, तो पूरी सॉल्व करना पड़ेगा। सी डी है 0.20, आर आर है 0.30 और ई डी है 0.10, और इनटू में जो मॉनेटरी बेस है वो कितना है आपका जी, जो आपका मॉनेटरी बेस है जी वो आपका 1 लाख रुपये। सॉल्व कर दो, ऊपर आएगा 1.20 जी, नीचे आ गया आपका 0.60 इनटू में मॉनेटरी बेस कितना आ गया 1 लाख आ गया। 1.20 इनटू ये 2 हो गया, 2 इनटू 1 लाख हो गया, और यहाँ पे आपको दिख गया 2 लाख रुपये मेरा क्या आ गया जी, 2 लाख रुपये मेरी मनी सप्लाई आ गई। बताओ मनी सप्लाई हर चीज में जब मॉनेटरी बेस 1 लाख था वहाँ भी 1 लाख, सारी बातें सेम थी, तब कितनी थी जी, तब थी मेरी मनी सप्लाई 3 लाख। बस मैंने रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो को 0.10 से बढ़ाकर 0.30 किया, बाकी सारी बातें सेम है, तो मेरा मनी सप्लाई कितना आ रहा है जी, अब आ रहा है 2 लाख। तो यहाँ पे मैंने एक बात नोट करी कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो अगर मैं बढ़ाऊंगा 0.10 से बढ़ाकर 0.30 करूंगा तो भैया मेरा मनी सप्लाई 3 लाख से कट के 2 लाख हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक बात नोट करी, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो अगर बढ़ेगा तो इससे जो मेरा मनी सप्लाई है बेटा वो कम हो जाएगा, और अगर ये कम होगा तो मनी सप्लाई मेरा बढ़ जाएगा। इट मीन्स रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो के साथ जो रिलेशन है वो कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने 2 बात सीखी, मॉनेटरी बेस का मनी सप्लाई के साथ संबंध पॉजिटिव है, जबकि आरआर का मनी सप्लाई के साथ संबंध नेगेटिव है, और अगर दोनों में से किसी में भी आरबीआई चेंज करेगा तो आपके मनी सप्लाई के अंदर चेंज होगा। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से वीडियो पॉज करके आप इस एग्जाम्पल को नोट भी कर सकते हैं, और आप इसको भी जो है नोट कर लीजिए। चलिए इतनी बात आपको क्लियर है, तो अब देखो यहां पे क्या लिखा है। तो भाई यहां पे वही बात लिखी है कि सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई इन टू वेज, अगर सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करना है तो उसके पास 2 तरीके हैं, एक है मॉनेटरी बेस, एक है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। क्या बोलता है, आरबीआई अपने मॉनेटरी बेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। कैसे, ओपन मार्केट से परचेज और सेल करके, तो आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है, अगर ओपन मार्केट से आरबीआई परचेज करता है तो मॉनेटरी बेस बढ़ जाता है, और ओपन मार्केट में आरबीआई सेल करेगा तो मॉनेटरी बेस घट जाएगा। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो जस्ट इससे पहले वाली वीडियो देखो, जहां पे मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है बताया था। ओपन मार्केट में अगर आरबीआई परचेज करता है, अगर वर्ड मिले ओपन मार्केट परचेज तो मॉनेटरी बेस बढ़ जाता है, और वर्ड मिले ओपन मार्केट सेल तो मॉनेटरी बेस घट जाता है। आगे बोलता है एन इंक्रीज इन द मॉनेटरी बेस लीड्स टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। हमने खुद पढ़ लिया कि अगर मॉनेटरी बेस आपका बढ़ेगा, अगर मॉनेटरी बेस आपका बढ़ेगा तो मनी सप्लाई आपका बढ़ेगा, ठीक है। और बोल रहा है सिमिलरली अगर मॉनेटरी बेस घटेगा तो आपका मनी सप्लाई बच्चों क्या होगा, घटेगा। मतलब इनमें एक प्रकार का डायरेक्ट रिलेशन है, एक प्रकार का पॉजिटिव संबंध है। और अगर बात करूं मैं रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो की, तो आरबीआई जो है मनी सप्लायर को चेंज कर सकता है और मनी मल्टीप्लायर को भी चेंज कर सकता है। कैसे, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो में चेंज लाके, अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो आरआर आपका रिक्वायर्ड रिजर्व आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो बच्चों से आपकी मनी सप्लाई घटेगी और मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी घटेगी। तो कैसे, मेरी जरा बात सुनो बेटा, बताओ इस वाले केस में मनी मल्टीप्लायर जानते क्या होता है, मैंने बताया था मनी मल्टीप्लायर बस इतना इतना होता है, मॉनेटरी बेस हटा दो बेटा, मनी मल्टीप्लायर बस यही होता है। आप खुद देखो जब आर आर 0.10 था तब मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी थी, ये आपका पूरा मनी मल्टीप्लायर ही है। तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आई थी, 3। तो आर आर जब 0.10 था तो मनी मल्टीप्लायर 3 था, और जब आर आर 0.10 से बढ़ाकर मैंने कितना कर दिया 0.30 कर दिया, और जब मैंने इस मनी मल्टीप्लायर को सॉल्व करा तो सॉल्व करके वैल्यू कितनी आई, 2। इट मीन्स अगर आर आर बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर पहले मेरे पास 3 था और उसकी वैल्यू घटकर क्या हो गई, 2, जिसकी वजह से मनी सप्लाई पहले 6 लाख 3 लाख थी
और अब घट कर क्या रह गई 2 लाख। तो वही तो यहाँ पे क्या रहा है कि अगर आपका आरआर बढ़ेगा, अगर आपका आरआर बढ़ेगा तो आपके मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी और साथ साथ आपकी मनी सप्लाई की वैल्यू भी कम होगी। इट मीन्स यहाँ पे संबंध कैसे एक प्रकार का इनडायरेक्ट रिलेशन है, नेगेटिव संबंध है। आरआर बढ़ेगा, मनी मल्टीप्लायर कम और मनी सप्लाई की वैल्यू भी कम। तो होपफुली सेंट्रल बैंक किस तरीके से डिटरमाइन करता है मनी सप्लाई को अपने 2 तरीकों से, ये आपको अच्छे से पल्ले पड़ गए विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हो गया, नोट कर लिया। ठीक, तो अब जरा देखो, हमने अपना कौन सा पढ़ लिया, ये हमने अपना सेंट्रल बैंक वाला पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। चलो अब एक काम करते हैं बेटा, कमर्शियल बैंक वाला पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक वाला, ई वाला पढ़ते हैं, सी वाला पढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कमर्शियल बैंक डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, कि भाई कमर्शियल बैंक डिटरमिनेंट और कमर्शियल बैंक केवल एक ही डिटरमिनेंट है, उसको बोलते हैं ईडी। क्या बोलते हैं उसको, ईडी। ईडी माने एक्सेस रिजर्व रेशियो, या फिर आप इसको डिजायर्ड एक्सेस रिजर्व रेशियो भी बोल सकते हो। बेटा कमर्शियल बैंक के पास पावर है, कमर्शियल बैंक के हाथों में है ईडी को चेंज करना। सबसे पहले ये एक्सेस रिजर्व होता क्या है, तो मेरी बात सुनो, एक्सेस रिजर्व का मतलब है कि एक्स्ट्रा में कुछ पैसा अपने पास रखना। ठीक है, कभी इमरजेंसी में मान लो कमर्शियल बैंक को पैसों की नीड पड़ जाए, ठीक है, इमरजेंसी में कमर्शियल बैंक को बहुत सारे पैसों की नीड पड़ गई, तो इमरजेंसी में वो पैसा कहाँ से लेके आएगा। तो अपनी इमरजेंसी केस के लिए, ठीक है, अपनी इमरजेंसी केस के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपने पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा साइड में रखता है। ठीक है, जिसका वो यूज़ लोन वोन के लिए किसी भी चीज़ के लिए नहीं करता, उसी को बोलते हैं एक्सेस रिजर्व। अब वो अपना साइड में जो भी पैसा रखता है उसको ज़्यादा भी रख सकता है, इट मीन्स वो एक्सेस रिजर्व को बढ़ा भी सकता है और वो कम भी रख सकता है, वो एक्सेस रिजर्व को घटा भी सकता है। वो ज़्यादा कब करेगा, कम कब करेगा, इसके लिए 3 पॉइंट हमारे पास है कि इन 3 चीज़ की वजह से एक्सेस रिजर्व में चेंज आएगा। लेकिन वो तो बात की बात है, उससे पहले ये जान लो एक्सेस रिजर्व से मनी सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सेंट्रल बैंक अपने पास, अगर कमर्शियल बैंक जानते हो ना क्या होता है, कमर्शियल बैंक मतलब जो आपके आसपास वाले बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। अब अगर ये अपने पास एक्सेस रिजर्व रखेगा तो उससे मनी सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए समझने का उसको प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जरा देखेंगे सब बच्चे मेरे साथ, यहाँ पे इसको मैं न्यूमेरिकली समझाना चाहूँगा। ठीक है, मैं इसको न्यूमेरिकली समझाना चाहूँगा। मान लीजिए मेरा मॉनेटरी बेस 1 लाख है, सीडी 0.20, आरआर 0.10 और ईडी 0.10 है, और इससे मुझे क्या निकालना है, कि इससे मुझे निकालना है मनी सप्लाई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सीडी प्लस 1 ये मेरा 1.20 बन जाएगा, और इन सबको जोड़ूंगा ये 0. मेरा 40 बन जाएगा। मॉनेटरी बेस बच्चों मेरा 1 लाख रुपये है, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 3 आ गई। ये क्या आपका मनी मल्टीप्लाई की वैल्यू 3 आ गई इंटू में मॉनेटरी बेस आपका 1 लाख, तो यहाँ पे 3 लाख रुपए का क्या आ गया, आपका मनी सप्लाई आ गया। नाउ यू कैन सी दैट, अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सेस रिजर्व रेशियो ईड 0.10 है। मान लो कमर्शियल बैंक ने अपने पास रिजर्व को बढ़ाया, कमर्शियल बैंक ने अपने पास पैसा रखा ज़्यादा, कमर्शियल बैंक ने अपने साइड में पहले कम पैसा था, अब थोड़ा पैसा इमरजेंसी के लिए और बढ़ा दिया, मतलब हमारा ईडी बढ़ गया। ईडी 0.10 था, अब वो 0.20 हो गया। बाकी सारी बातें सेम है, मॉनेटरी बेस सेम है, सीडी सेम है और आरआर सेम है। अब देखते हैं इससे मनी सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो सीडी प्लस 1, तो सीडी आपका 0.20 है, प्लस 1 रहेगा अपॉन में सीडी आपका 0.20 है, आपका आरआर 0.10 है, लेकिन ईडी की वैल्यू 0.10 थी, अब क्या हो गई, प्लस में 0.20 हो गई, और इनटू में आपका क्या होगा, मॉनेटरी बेस होगा जो कि होगा आपका 1 लाख रुपए। सॉल्व करेंगे जी, आपका आएगा 1.20, इसको करेंगे जी, ये आपका आएगा 0.50, और इनटू में ये क्या बन गया जी, ये बन गया आपका 1 लाख रुपए। अब आप सॉल्व करेंगे तो 1.20 को 0.50 से डिवाइड करेंगे जी, आपका आएगा 2.4, और इनटू में आपका 1 लाख रुपए आ जाएगा, दैट इज ये आपकी वैल्यू बन गई 2,40,000। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके ईडी में चेंज हुआ, कि ईडी 0.10 था, 0.20 हो गया। ठीक है, तो आपका जो मनी सप्लाई में चेंज हो गया, मनी सप्लाई पहले आपकी 3 लाख रुपए थी जो कि अब कितनी हो गई,
आपकी 2,40,000 रुपए हो गई। तो ईडी के बढ़ते ही मनी सप्लाई घट गया। तो यहाँ पे एक बात समझ में आई कि अगर ईडी बढ़ता है तो इससे मनी सप्लाई की वैल्यू घट जाती है, संबंध नेगेटिव है, और अगर मतलब ईडी घटेगा तो इससे मनी सप्लाई की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ईडी का मनी सप्लाई के साथ एक नेगेटिव रिलेशन है और इसको न्यूमेरिकली हमने देखा। ठीक है, जल्दी से वीडियो पॉज करके आप इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को पहले नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलिए इसको भी नोट कर लो जल्दी से एक बार कि ईडी का मनी सप्लाई के साथ एक नेगेटिव रिलेशन होता है। चलिए अब जरा मेरी बात को समझना। तो यहाँ पे जो मैंने बच्चों बोला वही सारी बात लिखी है कि बैंकिंग सिस्टम मतलब कमर्शियल बैंक जो है वो भी मनी सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन कैसे? एक्सेस रिजर्व रेशियो में चेंज लाके। अगर एक्सेस रिजर्व रेशियो आपका हायर होगा तो आपकी मनी सप्लाई घट जाएगी, बिकॉज मार्केट में फिर लोन कम बटेगा। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर ईडी ज़्यादा होगा तो अगर अपने पास पैसा बैंक ज़्यादा साइड में रखेगा तो लोन कम बांटेगा, जब मार्केट में लोन कम बांटेगा तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, जब मार्केट में पैसा कम होगा तो मनी सप्लाई घट जाएगी ना। ये थ्योरेटिकल, वो तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अगर ईडी ज़्यादा तो मतलब बैंक अपने पास पैसा रखेगा ज़्यादा, अगर बैंक अपने पास ज़्यादा रखेगा पैसा तो मार्केट में लोन कम बांटेगा, जब मार्केट में लोन कम जाएगा, जनता के पास पैसा कम जाएगा तो देश में पैसा कम घूमेगा ना, मनी सप्लाई का लेवल घट जाएगा। और दूसरी ओर अगर ईडी आपका कम होगा तो इससे आपकी मनी सप्लाई घट जाएगी। लेकिन ईडी में चेंज कैसे आएगा? तो ईडी को अब और डिटेल में पढ़ते हैं कि कमर्शियल बैंक को अपने पास पैसा ज़्यादा रखना है या कम रखना है, ईडी में चेंज कैसे आएगा, ईडी कब घटेगा कब बढ़ेगा, एक्सेस रिजर्व रेशियो में चेंज कैसे आता है, तो आइए जरा इसको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। अब ये मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन लोन क्या है, तो पहले मेरी बात सुनो, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ईडी के बारे में। ईडी माने क्या? एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मार्केट रेट। ठीक है, इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने का मतलब जरा समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर हमारे पास कस्टमर, अगर हम किसी कस्टमर को लोन देते हैं और मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, मतलब उससे इंटरेस्ट मिलेगा ज़्यादा। तो मेरी बात सुनो, अगर मैं अपने पास पैसा रखता हूँ, मैं लोन नहीं बांटता, मैंने अपने पास पैसा रखा इमरजेंसी के लिए, लोन नहीं बांटता, तो मेरा लॉस है ना, मैं बैंक हूँ, मेरा लॉस है ना, क्योंकि अगर मैं लोन बांटता तो मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाता। मैं उस इंटरेस्ट को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वो इंटरेस्ट मेरी क्या है, वो इंटरेस्ट मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जो आपने सेक्रीफाइस किया, उस इंटरेस्ट को मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पास पैसा रख रहा हूँ, मैं लोन नहीं बांट रहा, तो इट मीन्स मैंने उस इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया, मैंने इंटरेस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को छोड़ दिया। लेकिन मान लो अगर इंटरेस्ट बढ़ जाए कि भाई लोन पे पहले कि हम लोन बांटते थे, इंटरेस्ट पहले कितना मिल रहा था 10%, अब भाई लोन बांटने पे ना 20% इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया कि अब अगर मैं लोन बांटूंगा तो इंटरेस्ट 10% तक मिलता था, 20% मिलेगा, तो मैं लालची हो जाऊंगा और मैं बोलूँगा कि ठीक है यार इमरजेंसी में थोड़ा कम रखते हैं, कौन पैसा मांगने आ रहा है, एक काम करो इस पैसे का लोन बांटो। तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मेरे को लोन देने पे इंटरेस्ट मिलेगा ज़्यादा, तो मैं अपने पास पैसा कम रखूँगा, मैं लालची बन जाऊँगा, उस पैसे को मैं जनता को लोन के रूप में दे दूँगा। जब उस पैसे को मैं जनता को लोन के रूप में दूँगा तो मेरे पास तो इमरजेंसी वाला पैसा कम हो गया, बिकॉज उसका तो मैं लोन बांट रहा हूँ, मेरे को इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है। जब इमरजेंसी वाला पैसा कम हो जाएगा तो मेरा ईडी क्या हो जाएगा, कम। और अभी अभी आपने पढ़ा अगर ईडी कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, और मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। आप देख लो आपका ईडी 0.10 था, 0.20 हो गया, तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी थी पहले? जी पहले 3 थी, तो आपका एमएस वो 3 लाख, मनी सप्लाई 3 लाख आ रहा था। जैसे ही आपका ईडी बढ़ा, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू 2.4 हो गई, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू घट गई और आपका मनी सप्लाई भी घट गया। तो जैसे ही इंटरेस्ट बढ़ेगा बड़ा ईडी कम हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम, मनी सप्लाई कम। और फिर आप उसका उल्टा कर दो, अगर लोन पे इंटरेस्ट कम मिलेगा तो हमें फ़ायदा कम होगा, तो हम अपने पास ही इमरजेंसी के रूप में पैसा रखेंगे ज़्यादा,
जिससे कि ईडी बढ़ जाएगा, ईडी बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी और मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। तो ये आपका पहला पॉइंट है कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके से, इंटरेस्ट रेट किस तरीके से मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है। चलो सेकंड है रिस्क ऑफ डिपॉजिट विदड्रॉल। सेकंड क्या है बच्चों? रिस्क ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक जोखिम, एक डर कि लोग अपने, लोग मेरे पास आएंगे और पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो हमको सेंट्रल कमर्शियल बैंक को इमरजेंसी में पैसा रखना पड़ता है। सेंट्रल बैंक को क्या, सेंट्रल बैंक बोल रहा हूँ बाबा, कमर्शियल बैंक को इमरजेंसी में पैसा रखना पड़ता है कि लोग आएंगे पैसा निकालेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा। अब मान लो कि भाई साहब एकदम से बहुत सारे लोग पैसा मांगने आ गए, हमको पैसा दो पैसा दो पैसा दो, एकदम से बहुत सारे लोग पैसा मांगने आ जाएंगे तो उसको अपना ईडी एक्सेस रिजर्व कमर्शियल बैंक को ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि किसी एरिया में बाढ़ आ गई या मान लो भूकंप आ गया, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी समस्या पैदा हो गई तो उन लोगों को अपने घर ठीक करवाने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए, खाने पीने खाने के लिए पैसा चाहिए तो बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, जो पैसा निकालने का, विड्रॉल करने का जो रिस्क है वो रिस्क बढ़ रहा है। यहाँ पे बात रिस्क की हो रही है। तो अगर पैसा निकालने का रिस्क बढ़ेगा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोग आएंगे और ज़्यादा पैसा मांगेंगे, अगर पैसा निकालने का रिस्क बढ़ेगा तो मैं इमरजेंसी वाले केस में अपना ईडी रखूँगा ज़्यादा, मैं इमरजेंसी वाले साइड में अपना पैसा बढ़ा दूंगा कि भाई उस एरिया में बाढ़ वाड़ आ चुकी है और वहाँ से अब लोग पैसा मांगने आने वाले हैं, अपना इमरजेंसी वाला पैसा रखो ज़्यादा, एक्सेस रिजर्व को मैं बढ़ाऊँगा ताकि उनको पेमेंट कर सकूँ। तो अगर विड्रॉल करने का रिस्क होता है ज़्यादा तो हम अपने इमरजेंसी में पैसा रखेंगे ज़्यादा। अब अगर ईडी होगा ज़्यादा तो आपको पता है एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशो अगर आपका ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इससे आपका जो है, यहाँ बच्चों मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, यहाँ मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, अगर ईडी कम होता है तो आपके मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगा, और अगर ईडी ज़्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम, मनी सप्लाई कम, संबंध नेगेटिव होता है। सॉरी उल्टा लग दिया मैंने यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे आ जाओ, अगर ईडी बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी और मनी सप्लाई की वैल्यू भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर रिस्क कम है, ऐसी कोई समस्या नहीं आई है कि लोग एकदम से पैसा निकालने आ जाए तो मैं, तो उस कमर्शियल बैंक क्या करेगा, इमरजेंसी वाले केस में पैसा रखे कम कि अभी कोई लोग नहीं मांगने आ रहे तो हम इस पैसे का यूज़ करेंगे। तो रिस्क अगर कम है तो इमरजेंसी वाले केस में पैसा रखेगा कम तो ईडी क्या होगा, ईडी होगा कम, अगर ईडी कम तो मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा और मनी सप्लाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो मतलब पैसा निकालने का जो रिस्क है बेटा वो भी हमारे मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है, बिकॉज उस रिस्क की वजह से हमारा ईडी अफेक्ट होगा और अगर ईडी अफेक्ट होगा तो मनी सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा। सेम इंटरेस्ट की वजह से ईडी अफेक्ट होगा और ईडी अफेक्ट होगा तो मनी सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा। हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक कमर्शियल बैंक का जो इमरजेंसी वाला पैसा है वो किस किस चीज़ से प्रभावित होगा। तो पहले मार्केट में मिलने वाले इंटरेस्ट से, जो लोन दूंगा उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे प्रभावित होगा, और दूसरा कि अगर लोग अचानक से पैसा निकालने आ जाए, ज़्यादा पैसा निकालने आ जाए तो उस वाले केस में इमरजेंसी वाला पैसे को मेरे को छेड़ना पड़ेगा। और उसमें तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड रिजर्व, ठीक है, आपका ये लिखा है इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोड रिजर्व। अब जरा मेरी बात समझो, ये इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोड रिजर्व का मतलब क्या है बेटा? कमर्शियल बैंक बड़े चालाक होते हैं, बड़े चालू होते हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक बड़े चालाक होते हैं, बड़े चालू होते हैं। कमर्शियल बैंक सोचते हैं कि यार मेरे इमरजेंसी वाले केस में मैं पैसा क्यों रखूं, मैं उसको इमरजेंसी वाले केस में, अगर मैं पैसा इमरजेंसी वाले केस में मैं पैसा क्यों रखूं, मैं वहां पे पैसा रख रहा हूं उसका कोई यूज ही नहीं हो रहा, क्यों ना मैं उस पैसे का लोन बांटूं। इमरजेंसी वाले केस के पैसे को एक्सेस रिजर्व का, क्योंकि एक्सेस रिजर्व कितना रखना है वो कमर्शियल बैंक के हाथ में है, वो सेंट्रल बैंक के हाथ में नहीं है। तो कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए सोचता है कि क्यों ना मैं एक्सेस रिजर्व का मैं लोन बांटूं। लेकिन अब आपके माइंड में आएगा, लेकिन भैया कोई अचानक से पैसा मांगने आ गए, बहुत सारे लोग पैसा मांगने आ गए, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, मना कर देगा? नहीं,
कमर्शियल बैंक बड़ा चालू है, वो अपना पैसा तो मार्केट में लोन के रूप में बांट देगा ताकि ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, और अब कोई इमरजेंसी में पैसा मांगने आया, हमको हमारा पैसा दो, हमको नीड है, तो कमर्शियल बैंक सोचता है कि उनको जो पैसा देना है वो पैसा मैं किसी दूसरे बैंक से उधार ले लेता हूँ ना, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे। मेरी बात नहीं समझ में आई? जरा मेरी बात को अगर आप समझ पा रहे हो तो बेटा समझने का प्रयास करना। मान लो ये कमर्शियल बैंक है, ये मेरा कमर्शियल बैंक है, ये बच्चों मेरा कमर्शियल बैंक है SBI, ठीक है। मैंने क्या करा, जो मेरा एक्सेस रिजर्व था उसको तो मैंने लोन के रूप में बांट दिया, जो कि मेरे पास क्या हो गया, जीरो हो गया, कि एक्सेस रिजर्व मेरा खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है। और जब उसका मैंने लोन बांटा तो लोन मान लो मुझे कितना मिल रहा है, 20% मिल रहा है। अब मान लो कोई अगर कोई मेरे पास पैसा मांगने आता है तो SBI सोच रहा है कि क्यों ना हम पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले लेंगे, ठीक है, कि मान लो ये कस्टमर आ गया, भाई मेरे को मेरे पैसे दो, कस्टमर आ गए, इनको पेमेंट कर रही है। अब SBI के पास तो पैसा है नहीं क्योंकि उसने सारे पैसे का लोन बांट दिया है, तो SBI सोचेगा अगर इनको पेमेंट करनी है तो क्यों ना मैं PNB से उधार ले लूँ। तो SBI अगर PNB से उधार लेगा और मान लो PNB का इंटरेस्ट केवल 5% है या मान लो 6% है, तो भाई साहब SBI को तो यहाँ पे 14% का फायदा हो रहा है, क्योंकि वो अपने लोन पे कितना कमा रहा है, 20% कमा रहा है, और 20% कमाएगा और 6% अगर PNB को दे देगा तो SBI तो अपना 14% की अर्निंग कर रहा है। कितना चालू है ना SBI, कि अपने पैसे का लोन बांट दिया कस्टमर को, वहां से लोन ले रहा है ज्यादा इंटरेस्ट ले, ज्यादा, और खुद का लोन लेना है तो अपने दोस्त से ले ले काफी कम इंटरेस्ट रेट पे 6% पे, और 14% का फायदा कमा रहा है, क्योंकि 6% जो 20% आएगा उसका 6% इसको दे देगा, बाकी बचेगा 14%। तो ऐसा होता है। तो अगर हम अगर बाहर से दूसरे बैंक से अगर हम बोरो करते हैं और अगर उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, वो सस्ते में लोन दे देगा, तो हम अपना पैसे उधार दे देंगे और उससे लोन ले लेंगे और हम अपने कस्टमर की पेमेंट कर देंगे। लेकिन ज़रा खुद सोचो, अगर ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता, 6% के स्थान पर ये इंटरेस्ट रेट बड़ा मान लो 22% होता, कि अगर SBI PNB से लोन लेगा तो 22% का उसको ब्याज देना पड़ेगा, तो क्या कभी भी SBI अपने इस एक्स्ट्रा पैसों को मार्केट में लोन देता? नहीं देता, कि भाई मेरे पास पैसा ठीक है, कोई कस्टमर आएगा मैं अपने में से ही पैसा दे दूंगा, अगर मैं लोन लेके दूंगा तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर दूसरी संस्था से, दूसरे बैंक से अगर लोन की इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा, लोन मिलेगा महंगा, तो SBI जो है लोन नहीं लेगा, वो अपना ही एक्सेस रिजर्व संभालेगा और उसमें पेमेंट करेगा। लेकिन दूसरे बैंक से अगर लोन काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा तो अपना पैसा का मार्केट में लोन बांट देगा और दूसरे बैंक से पैसा लेके बांटा करेगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोड रिजर्व का मतलब है, तो यहाँ पे हम उस इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं जो आपका SBI दूसरे बैंकों से लेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट दूसरे बैंकों में ज़्यादा है, तो SBI को ये लेस अट्रैक्टिव लगेगा, कि क्या फ़ायदा दूसरे बैंकों से मैं लोन लूँगा और इंटरेस्ट इतना पे करना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा मैं लोन नहीं ले रहा। तो SBI लोन नहीं लेगा और अपने ही इमरजेंसी वाले पैसे को मेंटेन रखेगा, वो अपना ED बढ़ाएगा कि कोई मेरे पास इमरजेंसी में पैसा मांगने आएगा तो मैं अपने पास से ही पैसा दूंगा, ठीक है। और ED अगर बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा और मनी सप्लाई की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो इंटरेस्ट रेट है कम, कि मान लो पंजाब नेशनल बैंक काफ़ी सस्ते में लोन बांट रहा है, तो ये क्या है, ये उनके लिए हाई अट्रैक्टिव है। SBI के लिए क्या है, SBI के लिए ये चीज़ हाई अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से क्या करेगा, SBI अपना ED कम कर देगा, अपना एक्सेस रिजर्व कम कर देगा, अपने पैसे का तो कस्टमर को लोन बांट देगा, और इमरजेंसी में कोई पैसा अगर SBI के पास मांगने आएगा तो PNB से वो लोन लेगा काफ़ी सस्ते दाम पर, और उस पैसे से कस्टमर को विदा कर देगा कि जाओ तुम पैसे ले जाओ, और PNB को काफ़ी सस्ते में लोन लिया है तो PNB को लोन की पेमेंट कर देगा। इससे क्या होगा, ED कम हो गया, ED कम तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाएगी और मनी सप्लाई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। होपफुली ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। भाई ऑब्वियस ही बात है, आप बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हो, आप BSc के बच्चे हो, BA के बच्चे हो, आप ऑनर्स के बच्चे हो, तो आपको ये सारी बात समझ में आ रही होगी। बट मेरी एक कमी है कि मैं पता नहीं क्यों ज़्यादा डीप में घुस के बहुत ही
जीरो लेवल से आपको उसको समझाने का ट्राई करता हूँ। चलो कोई नहीं, होपफुली ये बात तो आपको पल्ले पड़ गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, तो तीन चीज़ें हैं जो आपके मनी सप्लाई को अफेक्ट करती है, जो आपके ईडी को, एक्सेस रिजर्व को अफेक्ट करती है। बेटा वीडियो पॉज करके आप चाहो जल्दी से उसको नोट कर लो। चलिए नोट हो गया, ठीक। अब बस आखिरी बचा है पब्लिक डिटरमिनेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो आप देखोगे हमने कमर्शियल बैंक वाला भी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे भाई पब्लिक के बारे में, और पब्लिक के हाथ में क्या है, करेंसी। भाई पब्लिक अपने हाथ में आ तो करेंसी रखेगी ज़्यादा या करेंसी रखेगी कम। अब पब्लिक अपने हाथ में करेंसी ज़्यादा या कम रखती है तो भाई इससे भी हमारे मनी सप्लाई पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तो जरा समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं उसको थ्योरेटिकली समझाना चाहूँ तो थ्योरेटिकली ये है, अगर पब्लिक अपने हाथ में करेंसी रखेगी कम, तो मतलब अगर अपने हाथ में करेंसी कम रख रही है तो वो अधिकतर पैसा अपने बैंक में जमा करवा रही है। अब बैंक में पैसा जाएगा तो आपने पढ़ा होगा क्रेडिट क्रिएशन, बैंक में पैसा जाएगा तो उसका लोन बटेगा, उससे पैसा और बनेगा और बनेगा और बनेगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अगर जनता के हाथ में पैसा कम तो मतलब बैंक में पैसा ज़्यादा, और बैंक में पैसा ज़्यादा तो मनी सप्लाई ज़्यादा। अगर जनता के हाथ में पैसा ज़्यादा तो मतलब वो अपने हाथ में पैसा ज़्यादा रख रहे हैं तो जनता बैंक में पैसा रख रही कम। अब जब बैंक में पैसा कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन होगा कम, लोन बटेगा कम, पैसा क्रिएट होगा कम, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी कम। तो थ्योरेटिकली करेंसी का मनी सप्लाई के साथ एक नेगेटिव संबंध है, ठीक है। याद रखना जितना ज़्यादा बैंक में पैसा जाएगा उतना ज़्यादा लोन बटेगा, उतनी ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगी। बैंक में पैसा कम होगा तो लोन कम बटेगा, मनी सप्लाई का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको न्यूमेरिकली समझना चाहूँ तो न्यूमेरिकली आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि भाई साहब मान लीजिए हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है और मनी सप्लाई निकालने को बोला है, तो सी डी कितना है जी 0.20 प्लस 1 अपॉन में 0.20 प्लस 0.10 प्लस 0.10 इंटू में मॉनेटरी बेस कितना है आपका 1,00,000 रुपये। इस पूरे को सॉल्व करो जी आ गया 3 इंटू में 1,00,000 आ गया जी 3,00,000 रुपये की क्या आ गई, मनी सप्लाई आ गई। और ये 3 क्या आ गया जी 3 आ गया एम मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू। अब मान लो हमारे सीडी में चेंज आया, सीडी 0.20 था जो कि बढ़ के 0.40 हो गया। बेटा बाकी सारी बातें सेम है, सीडी की वैल्यू बढ़ गई, सीडी की वैल्यू में चेंज आ गया। अब सीडी की वैल्यू में चेंज आया तो जरा समझो क्या होगा कि यहाँ पे 0.40 प्लस 1 अपॉन में 0.40 बाकी सब 0.10 ये भी आपका 0.10 इंटू में मॉनेटरी बेस आपका सेम है जो कि 1,00,000 का 1,00,000 है। सॉल्व करेंगे 1.40 इसको जोड़ूंगा 0.60 इंटू में 1,00,000 आ गया। 1.40 को 0.60 डिवाइड करने पर आपका आएगा 2.3 इंटू में क्या आ गया आपका जी 1,00,000 आ गया। 2.3 इंटू 1,00,000 का मतलब हो गया 2,30,000 रुपये। तो आपने देखा और यहाँ पे आपका 2.3 क्या है ये मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है। तो आपने देखा कि जैसे ही सीड 0.20 से बढ़ के 0.40 हुआ, जैसे ही सी डी की वैल्यू बढ़ी आपके मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो गई, 3 से घटकर 2.3 हो गई, और मनी सप्लाई भी 3,00,000 था जो कि घटकर 2,30,000 हो गया। तो वही तो बात आपको मैंने बोली कि अगर सी डी ज़्यादा होगा, सी डी ज़्यादा होने मतलब 0.20 था 0.40 हो गया, मतलब जनता अपने पास करेंसी रख रही है ज़्यादा। सी डी ज़्यादा होने का मतलब है जनता अपने पास करेंसी रखेगी ज़्यादा। जब जनता अपने पास करेंसी रखेगी ज़्यादा तो मतलब जनता बैंक में पैसा जमा करवाएगी कम, और जब बैंक में पैसा जमा होगा कम तो अल्टीमेटली मार्केट में लोन बढ़ेगा कम, पैसा क्रिएट होगा कम, मनी सप्लाई का लेवल हो जाएगा कम। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यही बात जो है, ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो अल्टी मैंने एक बात क्या नोट करी कि सीडी का मनी सप्लाई के साथ, ठीक है, सीडी का आपका सीडी का मनी सप्लाई के साथ एक नेगेटिव रिलेशन है। अगर आपका सीडी बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी जिससे मनी सप्लाई की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और अगर सीडी घटेगा तो आपके मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी और आपके मनी सप्लाई की वैल्यू बच्चों बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये लिखा है कि पब्लिक भी डिटरमाइन करती है मनी सप्लाई को कैसे,
विद द हेल्प ऑफ चेंज इन करेंसी। जो जनता के पास करेंसी है वो करेंसी को अगर चेंज करेंगे, मतलब अगर सीडी चेंज होगा तो भाई साहब एमएस में मनी सप्लाई में चेंज होगा। अगर पीपल वांट टू होल्ड मोर कैश, अगर लोग अपने पास कैश या करेंसी रखेंगे ज़्यादा, तो उससे करेंसी रेशियो मतलब सीडी करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो आपका जो है बढ़ेगा। और अगर आपका सीडी बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू घटेगी, और मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू घटेगी तो मनी सप्लाई की वैल्यू भी आपकी बच्चों क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, घट जाएगी। ये बात आपको मैंने पढ़ा दी है। लेकिन अब जनता अपने पास करेंसी ज़्यादा रखे या जनता अपने पास करेंसी कम रखे, ये किन चीज़ पे डिपेंड करता है? आप एक जनता हो, आप नॉर्मल पब्लिक हो, ये पॉइंट आपको समझ में जल्दी आएगा। आप पब्लिक हो, अब आप अपने पास पैसा ज़्यादा रखोगे या आप अपने पास पैसा कम रखोगे, तो ये पांच बात पे डिपेंड है। सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन चेकेबल डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन चेकेबल डिपॉजिट इसका मतलब ये है कि चेकेबल डिपॉजिट का मतलब ये है, मान लो आपका बैंक में पैसा जिसको आप चेक के माध्यम से, जिसको आप चेक इशू करके कभी भी निकाल सकते हो। चेकेबल डिपॉजिट का मतलब बस ये जान लो, वो पैसा जो आपका बैंक में पड़ा है और आप इसको जब चाहे तब निकाल सकते हो। अब अगर मान लो बैंक वाला आपके पैसे पे, आपके डिपॉजिट पे, आपकी सेविंग पे इंटरेस्ट दे ज़्यादा, राइज इन इंटरेस्ट, बैंक वाला बोलता है हमारे पास जमा कराओ पैसा, हम आपको इंटरेस्ट देंगे ज़्यादा, तो अगर बैंक वाला आपको आपके पैसे पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा ज़्यादा, तो आप अपने पास करेंसी कम रखोगे, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में जमा करवाओगे, बिकॉज बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा था। जिससे क्या होगा, आप अपने पास करेंसी रखोगे कम। जब आप अपने पास करेंसी रखोगे कम, लीड टू फॉल इन सीडी, आपका सीडी करेंसी डिपॉजिट रेशियो कम हो जाएगा। बिकॉज जब आप करेंसी कम रखोगे तो आपका सीडी रेशियो करेंसी डिपॉजिट रेशियो कम, और अगर आपका सीडी कम होगा तो इससे मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी और इससे मनी सप्लाई की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और आप उसका उल्टा कर दो, अगर बैंक वाला इंटरेस्ट काफ़ी कम प्रोवाइड करे, बैंक वाला ना के बराबर इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप अपना पैसा बैंक में जमा ना करवा के अपने पास पैसा रखोगे ज़्यादा। आप अपने पास पैसा रखोगे ज़्यादा तो आपका सीडी रेशियो बढ़ेगा। जैसे ही आपका सीडी रेशियो बढ़ेगा, मनी मल्टीप्लायर की सीडी रेशियो, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, सीडी घटेगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू घटेगी और मनी सॉरी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी और मनी सप्लाई आपका बढ़ जाएगा। और फिर सेम आपका उसको उल्टा भी कर सकते हो। चलिए, सेकंड है फीस ऑन चेकेबल डिपॉजिट। लेकिन अब बैंक वाले क्या बोल रहे हैं, बैंक वाले बोल रहे हैं कि आप हमारे बैंक में जमा करवाओगे ना पैसा तो आपको फीस देनी पड़ेगी। जैसे कि बैंक वाले बोला आपको पैसा हमारे पास जमा कराओगे आपको उतनी फीस पे करनी पड़ेगी, आपका तो एसएमएस चार्ज आएगा, अगर आप एटीएम से बार बार पैसा निकालोगे तो एटीएम आपका चार्ज काटेगा। मतलब बैंक अब अलग अलग सर्विस के लिए हमसे फीस मांग रहा है कि आप बैंक में जमा कराओगे पैसा तो पैसा निकालने पे, पैसा डालने पे, ठीक है, आपको फीस देनी पड़ेगी, एटीएम में जाओगे स्वाइप करोगे आपको फीस देनी पड़ेगी, आपको उतना पैसा पे करना पड़ेगा, आपका एसएमएस चार्ज का जाएगा पैसा। अब बैंक वाला अगर फीस ज़्यादा मांगेगा, हमारी फीस अगर ज़्यादा, और अगर हमको लग रहा है कि यार बैंक वाला कुछ ज़्यादा ही पैसा काट रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही फीस मांग रहा है, इसकी फीस, उसकी फीस, इसकी फीस, तो हम बैंक में जमा करवाएंगे पैसा कम। और जब हम बैंक में जमा करवाएंगे पैसा कम तो अपने पास करेंसी होगी ज़्यादा, हम अपने पास पैसा ज़्यादा होल्ड करना पसंद करेंगे, हम बैंक में कम जमा करवाएंगे बिकॉज बैंक फीस चार्ज कर रहा है। जब हम अपने पास पैसा रखेंगे ज़्यादा तो उससे हमारा सीडी बढ़ेगा, करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ेगा। अब आपका अगर सीडी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू घटेगी और आपका मनी सप्लाई की वैल्यू भी घट जाएगी, ठीक है। तो आपका जो फीस है बेटा उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और फिर देन आपका उसका उल्टा कर दो, अगर बैंक वाला फीस कम चार्ज कर रहा है, फीस चार्ज नहीं कर रहा तो हम बैंक में जमा कराएंगे ज़्यादा पैसा, तो अपने पास पैसा होगा कम तो सीडी हो जाएगा कम, अब सीडी कम तो मल्टीप्लायर ज़्यादा, मनी सप्लाई की वैल्यू ज़्यादा। इट मीन्स आप इन सबका उल्टा भी कर सकते, इन सबका आप उल्टा भी करते रहो। अगला है इनकम। इनकम मतलब अमीर लोग, ठीक है, इनकम मतलब अमीर लोग। अब जब व्यक्ति ज़्यादा इनकम कमाएगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा, तो इतना सारा पैसा वो अपने पास तो रखेगा नहीं, वो ज़्यादा पैसा कमाएगा तो ज़्यादा पैसों को वो सेफली बैंक में रखना चाहेगा। तो जब इंसान की इनकम होती है ज़्यादा, जब इंसान पैसा कमाता है ज़्यादा, तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में जमा करेगा और अपने पास करेंसी रखेगा कम। और अपने पास अगर करेंसी, तो क्या लिखा है, राइज इन इनकम। अगर इंसान की इनकम बढ़ेगी, वो अमीर इंसान होगा, तो करेंसी टू डिप
डिपॉजिट रेशियो डेक्लाइन, वो घटेगा। उस इंसान की इनकम ज़्यादा है, वो भाई पैसे वाला इंसान है, तो सेफ्टी के लिए सारा पैसा बैंक में जमा करवाएगा, जिसके वजह से अपने पास करेंसी रखेगा कम। जब अपने पास करेंसी सीडी रखेगा कम, करेंसी रखेगा कम तो सीडी कम हो जाएगा, जब सीडी कम तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा और मनी सप्लाई की वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सीडी का मल्टीप्लायर के साथ और मनी सप्लाई के साथ एक नेगेटिव संबंध है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट भी पल्ले पड़ गया होगा। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक फेलियर। बेटा बैंक फेलियर बोल दो, या हम इसको बैंक रन भी कहते हैं, बैंक फेलियर बोल लो, या आप उसको बैंक रन भी कहते हैं। बेटा बैंक फेलियर या बैंक रन का मतलब है कि सभी के सभी बैंक के डिपॉजिटर एक साथ बैंक में पैसा निकालने पहुंच गए, एक साथ बैंक में चले गए कि लाओ हमारा पैसा दो, तो इसको बोलते हैं बैंक फेलियर या बैंक रन हो जाना, कि सभी के सभी लोग एक साथ बैंक में पैसा निकालने चले गए। तो अगर मान लो बैंक फेलियर के चांस है, बैंक डूबने वाला है, सभी के सभी लोग एक साथ बैंक में जाने वाले हैं, बैंक के पास पैसा नहीं होगा, तो अगर मुझे पता है कि मेरा बैंक होने वाला है फेलियर, बैंक के मेरे डूबने के चांस है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, पॉसिबिलिटी है, तो मेरे को लग रहा है आने वाले एक हफ्ते के अंदर मेरा बैंक जो है वो होने वाला है फेलियर, सभी लोग बैंक के पास जाएंगे अपने पैसे निकाल के ले आएंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं आज ही जाऊँगा, क्योंकि मेरा बैंक डूबने वाला है, वो होने वाला है फेल, तो मैं आज ही बैंक में जाऊँगा और अपना पैसा बैंक से निकाल के ले आऊँगा, जिससे क्या होगा, बैंक में पैसा होगा कम, और क्योंकि मैं बैंक से पैसा निकाल लूँगा तो मेरे पास करेंसी होगी ज़्यादा। तो बैंक फेलियर में मेरे पास करेंसी होगी ज़्यादा, बिकॉज मैं सारा का सारा पैसा बैंक से पहले ही निकाल के ले आया, तो मेरे पास करेंसी होगी अब ज़्यादा, तो करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो होगा ज़्यादा। अब अगर ये ज़्यादा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम और मनी सप्लाई की वैल्यू कम, ठीक है। तो हम ज़्यादा करेंसी रखेंगे कम करेंसी रखेंगे वो इस पर भी डिपेंड करता है। और आखिरी है आपका इलीगल एक्टिविटी। इकोनॉमिस्ट के अनुसार बेटा एक होती है अंडरग्राउंड इकोनॉमी। क्या बोला मैंने, अंडरग्राउंड इकोनॉमी वो होती है कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, लेकिन उस पैसे का, उस ट्रांजैक्शन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटी क्या होती है, इलीगल एक्टिविटी होती है। तो अगर देश में इलीगल एक्टिविटी बढ़ेगी, देश में अंडरग्राउंड इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ेगा, तो आपको लगता है कि इलीगल एक्टिविटी वाला पैसा बैंक में जमा होगा? नहीं, इलीगल एक्टिविटी वाला पैसा बैंक में जमा नहीं होता, बिकॉज वो बैंक में जमा होगा तो सरकार की नज़रों में आ जाएगा। तो इलीगल एक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो जनता के पास करेंसी बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटी बढ़ेगी तो जनता के पास, या जो लोग इलीगल एक्टिविटी करते हैं उनके पास पैसा बढ़ेगा, तो करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो उससे बच्चों बढ़ जाएगा, बिकॉज वह पैसा बैंक में जमा नहीं होगा। अब जब सीडी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी और ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो जनता का जो सीडी है, जो जनता के पास, जो जनता करेंसी होल्ड करती है, वो करेंसी होल्ड ज़्यादा करेगी या वो करेंसी होल्ड कम करेगी, तो हमारे करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो को ये 5 फैक्टर प्रभावित करते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी बन चुकी है, लेकिन इस वीडियो में हमने अपने बहुत सारे तीनों टॉपिक कवर कर लिए, कि सेंट्रल बैंक से किस प्रकार MS पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, आपका कमर्शियल बैंक से किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, और पब्लिक से किस तरीके से आपके प्रभाव पड़ेगा मनी सप्लाई पे। तो यहाँ पे मनी सप्लाई का आप काफ़ी डिटेल में, काफ़ी गहराई में पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है बेटा, पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जब तक मैं ना मिलूँ दुआओं में याद रखना बेटा, बाय बाय, चलिए।